नमस्ते आदा आप सत्या मेरा नाम आदित्य है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू विश एवरीवन बोर्न ऑन द ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ में अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आइए देखते हैं ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ में हम सब के लिए कैसा होगा जनरल प्रडिक्शन है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा आके एंजल माइकल माई गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली स्प्रेट एंड द डिवाइन प्लीज गिव अस मैसेजेस वीच आर इन द हाइस गुड फॉर माई

कलेक्टिव मैसेज या एडवाइस फ्रॉम द चक्रा डेक फॉर द जनरल कलेक्टिव फॉर द ट्वेंटी और आगे जो है एज यूजल येस एंड नो भी जो है हम देखेंगे टू कार्ड्स वॉन्टेड टू कम आउट सो वी विल टेक बोथ द कार्ड्स ओवरऑल एनर्जी जो है रीबर्थ रिन्यूअल री मीटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली ओल्ड पास लव कम बैक जो चीज़ें आप चाहते थे जो चीज़ें आपको लगी थी ख़त्म हो गई हैं या जहाँ पर आपने जो है होप छोड़ दिया था वो चीज़ें जो हैं आप लोगों की ज़रूर फिर से रिन्यूअल होगा फिर से वो चीज़ें जो स्टक थी वो फिर से आगे चलने जाए थिंग्स दैट यू फील व स्टक जहाँ पे आपको लगा था कि चीज़ें आपकी रुक गई हैं या फंस गई हैं वहाँ से जो है डेफिनेटली आप लोगों के मूवमेंट आप देखोगे ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे के लिए छोटी चीज़ें हो सकती हैं आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है छुट्टी पे गई थी या बीमार थी वो काम पे वापस आ आ जाएगी अम, ऑफिस में भी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे कॉलेज स्कूल्स के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे जो भी आप चाहते थे जहाँ पे आपको लगता था कि आपकी एनर्जी स्टक है और आप एक रिन्यूअल चाहते हैं वो फिर से ज़रूर होगा अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप आपके फ्रेंड्स या फैमिली से ज़रूर मिलेंगे ओवरऑल एक एनर्जी यही है एक रिबर्थ की एनर्जी है जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी जो आपकी अच्छाई के लिए थी आप जो हैं वो फिर से प्लान करेंगे मे बी गोइंग ऑन अ हेल्दी डाइट वंस अगेन एक्सरसाइज स्टार्ट करना है मेडिटेशन स्टार्ट करना है खुद पे एनर्जी देनी है म्यूजिक सीखना है उसको स्टार्ट किया रीडिंग पेंटिंग आर्ट क्राफ्ट स्टार्ट किया है समथिंग यू विल डू जो आप पास्ट में इंजॉय करते थे और वो जो है आपके लाइफ में फिर से ज़रूर वापस आएगा बिजनेस करियर एंड फाइनेंस में पॉजिटिव आउटकम है इन योर करियर एंड इट इज़ अ कार्ड ऑफ गुड लक तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप ज़रूर स्टार्ट करें कल के दिन में बिकॉज कल का दिन आपके लिए बहुत शुभ है जो भी आप स्टार्ट करेंगे उसका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव होगा और अगर आप कुछ न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा लव में जो है अगेन योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ फाइनली सीइंग द गुड रिज़ल्ट ऑफ ऑल द एफर्ट्स यू हैव पुट इन अगर आपने कोई रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया है अगर आप एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट का आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा रिकन्सिलियशन का कार्ड है ये रीयूनियन um, का कार्ड है अगर झगड़ा चिड़चिड़ हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो चीज़ें जो हैं आप लोगों की ख़त्म हो सकती है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे के दिन अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप चाहते हैं कि आप आके अपने पार्टनर को मिलें या यू नो यू कम बैक होम टू योर पार्टनर उसकी भी जो है चांसेस हो सकते हैं ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे के लिए थ्रो तो चक्रा है यहाँ पे एडवाइस है फ्रॉम द चक्रा बैलेंसिंग चक्रा हीलिंग कार्ड से इसका यही मतलब है कि कम्युनिकेशन में कहाँ तो भी या तो प्रॉब्लम हो सकती है आप या तो ओवर एक्सप्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा आप फ्री इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं और उससे जो है आपका डिमांड या आपकी वैल्यू जो है कम हो जाती है या आप जो हैं अपनी यू आर अनेबल टू स्पीक यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट बात कैसे करना है कितना करना है क्या इन्फॉर्मेशन करना है दिल की बात एक्सप्रेस करना यहाँ पे जो है मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपकी मन की बात या आप जो कहना चाहते हैं पॉजिटिवली और असर्टिवली आप वो नहीं कह पाते हैं तो आपको मैसेज यही है कि अपना जो थ्रोट चक्रा है उसको बैलेंस करें कम्युनिकेशन इस ढंग से करें कि आपकी जो सच्चाई है आप बिना डर के एक्सप्रेस कर सकते हैं तो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि देर इज अ प्रॉब्लम इन योर एक्सप्रेशन तो यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड अ बैलेंस इन दैट ऑल राइट एंड देन वी हैव प्रेजेंस अवेयरनेस अटेंशन reality एंड कनेक्शन 44 फोर नंबर का कार्ड है मैनिफेस्टेशन का कार्ड है बी इन प्रेजेंट में रहिए ना पास्ट में रहिए ना फ्यूचर में रहिए अपना जो फोकस है अपना जो अटेंशन है अपना जो अवेयरनेस है इन द नाव में लाने की बहुत ज़रूरत है फोकस ऑन वॉट इज़ हैपनिंग इन द नाव फॉर योर सेल्फ उसी से जो है आपके कनेक्शंस जो हैं बढ़ेंगे और ग्रो होंगे पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं फ्यूचर हमको पता नहीं है तो इन दोनों चीज़ों के बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो हैं फोकस ऑन द नाव ऑल राइट वेरी क्विकली जो है आपका क्वेश्चन पूछे येस एंड नो का एंड लेट्स सी द आंसर्स आई एम यूजिंग माई डेक जो मैंने डिजाइन किया है उसमें येस एंड नो के कार्ड्स भी हैं तो द जनरल कलेक्टिव प्लीज गिव एन आंसर येस एंड नो द आंसर इज अस आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर इज़ अ येस दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माय व्यूअर्स एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग